नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना परिसर में सोमवार को 2 बजे दिन में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर पीस मीटिंग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गांव से धर्म गुरु, ग्राम प्रधान व सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर शांति के मद्देनजर थाना परिसर में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने पीस मीटिंग में सरकार के गाइडलाइन का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो तो पुलिस को सूचित करें, पुलिस जनता का सहयोग करने के लिए 24 घंटा उपलब्ध है। शांति सौहार्द के वातावरण में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करें और आपसी स्वभाव एवं भाईचारे के वातावरण को कायम रखें। कोई भी ऐसा कृत न होने दें जिस किसी भी प्रकार का विवाद हो सके। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर चंद्रभूषण पांडे, SI तुलसी प्रसाद प्रधान, जमाल अहमद, राजू यादव, आरिफ खान, संजू यादव, सभासद शमसु जमा, मनोज जायसवाल, गोपाल जायसवाल, अनिल जैक अग्रवाल, विवेक शर्मा, राजू गौण, भाजपा अध्यक्ष सुदामा गौण आदि सहित तमाम गण मान्य लोग उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। भैया जरा अपना परिचय बता दें। मैं मनोज कुमार जायसवाल, जिला सामाजिक समरसता प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़। आज का मुख्य उद्देश्य क्या था बैठक का? आज शांति सभा की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा था, जिसमें आगामी कार्यक्रम जैसे 19, 20, 21, 22 छब्बीस तक का कार्यक्रम है, जो अयोध्या राम मंदिर के उपलक्ष्य में राम मंदिर का उद्घाटन एवं स्थापना दिवस के रूप में जो 22 तारीख को मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में 19, 20, 21, 22, 26 तक सारे कार्यक्रम चलेंगे। इसके उपलक्ष्य में थाना मुबारकपुर के थाना अध्यक्ष महोदय ने ये शांति सभा की बैठक रखी थी, जिसमें मुबारकपुर नगर के ग्रामीण एवं नगरीय सभी संभ्रांत लोगों का आगमन थाने पर हुआ, जिसमें आपसी समन्वय और सौहार्द का माहौल बनाने की अपील किया है थाना अध्यक्ष ने। समस्या तो कोई समय नहीं दिख रही है, क्योंकि थाना अध्यक्ष महोदय बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं सारे कार्यक्रम को सहजतापूर्वक संपन्न कराने में, और हमें उम्मीद नहीं है कि कोई इस तरह का माहौल यहाँ बनेगा। हमारे कैमरा अच्छे रहे, कैमरा तुम्हारे बढ़िया रहे आपके यहाँ तो इतनी मूर्ति है सर, तीन वो एक अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।